नमस्कार, एक बार पुनः बातें साहित्य की चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की इकाई 5 हिंदी कविता के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो के 27वें संयोग रेवातट संयोग के पिछले भागों में हम छंद 1 से 23वें छंद तक की चर्चा कर चुके हैं। आइए बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं 24वें छंद की ओर। छंद 24 कवित्त। सुनिए बत्त पद जून राव पर संगम सक्यो, देव राव बग्गरी सैन दे पाव कसक्यो, तन सट्टे सटी मुकति बोल भारती बोले, लोह अंच उड्डंत पत्त तरवरज मिडोले, सुरतान चंप मुश्या लग्यो दिल्ली नृप दल बानियो, भय भीर धीर सामंत पुन अभय पटंतर जानिबो। सुनिए अर्थात सुनकर बत्त बात पज्जून। मित्रों, यह आमेर या जयपुर के कछवाहा राजपूतों की एक शाखा कुर्म या कुरंभ वंश का था। वीर चौहान ने ख्याति प्राप्त 108 सरदार उसके साथ कर दिए थे। अनेक युद्धों में पृथ्वीराज की सेना के एक भाग का संचालन पज्जून की ही अध्यक्षता में हुआ था। भारत के उत्तरी आक्रमणों में 2 बार पज्जून अपनी वीरता का परिचय दे चुका था। कन्नौज के संयोगिता अपहरण वाले युद्ध में चुने हुए 64 सरदारों में पज्जून भी था और लौटते समय 5 दिन के युद्ध में प्रथम दिन वीर गति को प्राप्त हुआ था। 65वें संयोग में हम पढ़ते हैं कि पज्जूनी पृथ्वीराज की 13 रानियों में 8वीं विवाहिता रानी थी। पृथ्वीराज ने 18वें वर्ष की आयु में पज्जूनी से विवाह किया था। पृथ्वीराज की एक बहन पज्जून को ब्याही थी। अब यदि ये दोनों पज्जून एक ही है, जैसा की कर्नल टॉड और हॉर्नले दोनों महानुभावों का कहना है, तो पृथ्वीराज ने अपनी सगी भांजी से विवाह कर लिया, परंतु ऐसी प्रथा न होने से शंका उत्पन्न होने लगती है। अतः इन दोनों पज्जूनों में अवश्य भेद होना चाहिए। मुसक्यो मुस्कुराया, सैन दे इशारा करते हुए, पाव पैर, कसक्यो अर्थात खींचा, भारती अर्थात भारती अर्थात विरोचित वाणी, उड्डंत उड़ते ही, चंपी चाप कर अथवा दाब कर, उषा अर्थात मुख, उषा लग्यो बिल्कुल सामने आ गया है, सिर पर आ गया है, दल बानिबो दल बनावे या सजावे, भर भीर भारी भीर, अभय पटंतर जानिबो अब भी उनके बराबर जानो, पटंतर अर्थात बराबर। मित्रों, पज्जून की उपर्युक्त बातें सुनकर प्रसंग राव मुस्कुराया और देव राव बग्गरी ने इशारा करते हुए अपना पैर खींचा। तन सट्टे सट्टी मुकति बोल भारती बोले, लोह अंच उड्डंत पत्त तरवरज मिडोले, शरीर से शरीर सटाकर सट्टी मुकति पीछा छुड़ाना या वीर गति प्राप्त करने का उपदेश, बोल भारती बोले क्या विरोचित वाणी है, अथवा इस तरह आपस में मेल करके पीछा छुड़ाना क्या ही विरोचित वाक्य है। लोह अंच उड्डंत पत्त तरवर जिमिडोले, जब लोहे से लोहा बजकर आंच निकलती है तो वृक्ष के पत्ते सदृश डोलने लगता है, कांपने लगता है, अर्थात जब सामने युद्ध होते हुए देखता है तो कांपने लगता है। सुरतान चंपी मुशा लग्यो दिल्ली नृप दल बानियो, सुल्तान चढ़कर हमारे स्तर पर आ गया है और दिल्ली राज भी एक सेना तैयार कर ले, भर भीर धीर सामंत पुन अभय पटंतर जानिबो, कठिन मोर्चों पर धैर्य धारण करने वाले हमारे सामंत इस अवस्था में भी, इस गिरी हुई अवस्था में भी उनसे कम नहीं है। शत्रु सैनिकों की संख्या और अपने सामंतों की वीरता बराबर ही समझनी चाहिए। छंद 25 कवित्त। कहे राव पज्जून तार कढ़ो तत्तारिय, में दक्षिण वै देश भरी जद्दव पर पारिय, में बंध्यो जंगलू राव चामंड सुसत्थम, बंभन वास विरास वीर बड़ गुज्जर तत्थम, भर विभर सेन चहुआन दल गोरी दल कित्तक गिना, जाने की भीम कौरु सुभर जर समूह तरवर किनो। मित्रों, तार अर्थात तारना या त्राण करना, कढ़ो अर्थात निकालना, मैं दक्षिण अर्थात दक्षिण, पारिय डाला, वै अर्थात के या को, भीर कष्ट, जद्दव अर्थात यादव, बंध्यो बांधा या पकड़ लिया, जंगलू
जंगलियों को सत्थम साथ बंभनवास अर्थात ब्राह्मणवास। यह सिंध का किसी समय का प्रसिद्ध परंतु अब उजड़ा हुआ नगर है। कविचंद ने पृथ्वीराज रासो के अनेक स्थलों पर बंभनवास का प्रयोग किया है। विरास निर्वासित करना अथवा विलास अर्थात विहार। बड़गुज्जर अर्थात बड़गुजर 36 राजपूतों की वंशावली में से हैं। आमेर और जयपुर में इनका राज्य था परंतु कछवाहों ने इन्हें वहां से निकाल दिया था। तत्थम वहां से कितक अर्थात कितना। भीम 5 पांडवों में से एक जो वायु के संयोग द्वारा कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौरु अर्थात कौरव ये कुरु की संतान थे। भर विभर अर्थात भर भीर अर्थात बड़ी आपत्ति या कठिन मोर्चा। सेन अर्थात चतुर या दक्ष। मित्रों कहे राव पज्जून तार कढ़ो तत्तारिय। पज्जून राव ने उत्तर दिया कि इससे पहले भी मैंने तातारियों से बचाकर तुम्हें निकाला था। मैं दक्षिण वे देश भरी जद्दव पर पारिय और दक्षिण के यादवों पर मैंने आक्रमण किया। मैं बंध्यो जंगलू राव चामंड सुसत्थम। चामंड राय के साथ मैंने जंगलियों को हराया और उन्हें अपने अधीन किया। बंभनवास विरास वीर बड़गुजर तत्थम। बंभनवास से मैंने बड़गुजर को निकाल बाहर किया अथवा दूसरे अर्थ में मैंने बड़गुजर के साथ बंभनवास में विहार किया। भर विभर सेन चहुआन दल गौरी दल के तक गिना। चौहान की सेना युद्ध प्रिय वीर सैनिकों की सेना है। गोरी दल के तक गिना गोरी की सेना को तुम क्या समझते हो। जाने की भीम कौर सुबर जर समूह तरवर किनो। योद्धा भीम कौरवों को अनेक जड़ों वाले एक वृक्ष के समान समझते थे अथवा जानते थे। छंद 26 कवित्त तब कहे जेत पंवार सुनहु पृथ्वीराज राजमत युद्ध साहि गौरी नरिंद लाहौर कोट गत। सवै सैन अपनो राज एक है सुकिज्जे इष्ट भ्रत्य सगपन सुहित कागद लिषिदिज्जे। सामंत सामी इह मंत है अर्जुमंत चिंतय नृपति धन रहे ध्रम्म जस जोग है दीप दिपत दिवलोकपति। जैत पंवार अर्थात जैत परमार इसका पूरा नाम जैत सिंह परमार था और यह आबूगढ़ का अधिपति था। जैत पंवार की पुत्री इच्छिनी का विवाह पृथ्वीराज से हुआ था। पृथ्वीराज ने 12 वर्ष की आयु में इच्छिनी से विवाह किया था और वह उनकी दूसरी रानी थी। जैत बराबर पृथ्वीराज का साथ देता था। संयोगिता अपहरण विषय युद्ध में वह भी आहत हुआ था। गत अर्थात जाकर इकट्ठा सगपन अपने सगे मंत अर्थात मंत्रणा या सलाह। दीप अर्थात तेज दिपति अर्थात दीप्तिमान दिवलोकपति अर्थात इंद्र। मित्रों तब जैत पंवार ने कहा कि हे पृथ्वीराज राजमत यह होना चाहिए। तब कहे जैत पंवार सुनो पृथ्वीराज राजमत युद्ध साहि गौरी नरेंद्र लाहौर कोटगत। कि नरेंद्र को लाहौर के दुर्ग में पहुंचकर शाह गौरी से युद्ध करना चाहिए। हे राजन पृथ्वीराज मेरी सलाह सुनिए। लाहौर के दुर्ग में पहुंचकर युद्ध में आप शाह गौरी को पकड़ लीजिए। सवै सेन अपनो राज एक हैसु किज्जे अपने राज्य की समस्त सेना को एकत्रित कर लीजिए। इष्ट भ्रत्य सगपन सुहित कागज लिषिदिज्जे और अपने इष्टों भृत्यों सगों और सुहितों को पत्र लिख दीजिए। सामंत सामी इह मंत है अर्जुमंत चित्ते नृपति धन रहे ध्रम जस जोग है दीप दिपति दिवलोकपति। हे सामंतों के स्वामी यही राजमत होना चाहिए। फिर जो कुछ आप और विचारें धर्म और यश का योग ही आपका मुख्य धन होना चाहिए क्योंकि आपका तेज इंद्र के समान अक्षय है। छंद 27 बह बह कही रघुवंश राम हक्कारी से उठ्यो सुनो सब सामंत साहि आए बल छुट्यो। गजर सिंह सा पुरिस जही रुंघे तह झुझे समो असमो जानहि न लज्ज पंके आलुझे। सामंत मंत जाने नहीं मत गहे एक मरण को सुरतान सेन पहले बंध्यो फिर बंध्यो तो करण को। बह बह अर्थात वाह वाह रघुवंश राम रघुवंशी राम के लिए आया है। हकार से उठ्यो चिल्लाता हुआ उठा साहि आए शाह के आने पर
बल छुट्टियो, तुम्हारा बल छूट गया अर्थात तुम्हारा साहस जाता रहा। आलुझे उलझना अथवा फंसना, पंकय कीचड़ में, लज्ज अर्थात लज्जा, मत अर्थात मत, गहे पकड़ना, तो करण कौ तभी कर्ण का बेटा हूँ। मित्रों बह बह कही रघुवंश राम हक्कार से उठ्यो, सुनो सब सामंत साही आए बल छुट्यो। रघुवंशी राम चिल्लाता हुआ उठा और व्यंग्य पूर्वक बोला, सामंतो सुनो, शाह आ गया और वाह वाह तुम्हारा बल अर्थात साहस छूट गया अर्थात भंग हो गया। गजर सिंह सा पुरुष जही रुंघे तह जुझे, समो असमो जान ही न लज्ज पंके आलुझे। वीर पुरुष हाथी और सिंह के समान जहां कहीं रुंघ जाता है अर्थात घिर जाता है, वहीं युद्ध में जूझ पड़ता है। वह समय असमय का विचार नहीं करता और लज्जा के कीचड़ में नहीं फंसता। लज्ज पंके आलुझे, सामंत मंत जाने नहीं, मत गहे एक मरण को, सुल्तान से न पहले बंध्यो फिर बंध्यो तो करण को। सामंतों का एक ही मत है और वह है मरना, इसके अतिरिक्त वे दूसरा मत नहीं जानते। सुल्तान की सेना को मैंने पहले बांध लिया था और अब की न पकड़ लूं तो करण का बेटा नहीं, कर्ण का बेटा नहीं। छंद 28 कवित्त, रे गुज्जर गांववार राज ले मंत न होई, अप मरे छिजे नृपति कौन कारज यह जोई। अब सेवक चहुआन देश भग्गे धर चिल्ले, पच्छ काम कह करे स्वामी संप्राम इकल्ले। पंडित भट्ट कवि गायना नृप सौदागर वारी हुआ, गजराज शीश शोभा भंवर कर्ण उड़ाई वह शोभ लह। अरे अर्थात ए गुज्जर गांववार, यह रघुवंशी राम के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि कविता में वक्ता का नाम नहीं दिया पर जहां तक संभव है यह जैत कुमार ही है। अप मरे अर्थात आप मरोगे, छिज्जे अर्थात विनाश करना, कौन कारज यह जोई, इससे तुम क्या कार्य होता देखते हो। घर शिल्ले अर्थात खिल जाना या फूट जाना अर्थात महाराज के घर में फूट पड़ जाए। कारज कार्य, पच्छी पीछे, काज कार्य, इकल्ले अर्थात अकेले, गायना गायक, वारी अर्थात वेश्या, भंवर अर्थात भ्रमर, कर्ण अर्थात कर्ण या कान, वह शोभ लह क्या उसे शोभा देता है। रे गुज्जर गांववार राज ले मंत न होई, हे गंवार गुजर, राज्य पा जाने से मंत्रणा नहीं देना आ जाता। अप मरे छिज्जे नृपति कौन कारज यह जोई, तुम खुद मरोगे और महाराज का भी विनाश करोगे, ऐसी सलाह देने से तुम क्या फल देखते हो। सब सेवक चहुआन देश भग्गे घर शिल्ले, चौहान के सब सेवक घर चले जाएंगे और महाराज के घर में फूट पड़ जाएगी, तब फिर क्या होगा। पच्छे काम कह करे स्वामी संग्राम इकल्ले, क्या स्वामी अकेले युद्ध करेंगे। पंडित भट्ट कवि गायना नृप सौदागर वारी हुआ, गजराज शीश शोभा भंवर कर्ण उड़ाई वह शोभ लह। जिस प्रकार गजराज अपने मस्तक के भौरों को कान फड़फड़ा कर उड़ाता हुआ शोभित होता है, उसी प्रकार राजा अपने पंडित भट्ट कवि गायक सौदागर और वारी वनिताओं आदि सेवकों को भगाकर क्या कभी शोभा पा सकता है। मित्रों छंद 23 से 28 तक पृथ्वीराज के लाहौर लौटते समय उनके दरबार की युद्ध विषयक मंत्रणा का हाल है। दरबार में दो प्रकार के सुझाव रखे गए। एक मत यह था कि शीघ्र ही जो कुछ सेना है उसे लेकर पृथ्वीराज गौरी से युद्ध छेड़ दें, और दूसरा मत यह था कि पहले पृथ्वीराज अपने इष्ट मित्र सामंत आदि सबको बुलाएं, फिर एक बड़ी सेना तैयार कर शाह से युद्ध करें। इन दोनों मतों पर विवाद होकर पहले मत की विजय रही और शीघ्र ही युद्ध छेड़ने की तैयारी होने लगी, जैसा कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। छंद 29, 30 और 31 दोहा छंद है। परिशोर तन दंग मम अग्ग युद्ध सुरतान, अब यह मंत विचार ये लरन मरन परवान। गजन सिंह प्रतिराज के है दिश्य परवान, बज्जी पशर शंडरे चाहुआन सुरतान।
ग्यारह अक्षर पंच षट लघु गुरु होई समान, कंठ शोभ बर छंद को नाम कहो परवान। शोर अर्थात खोर या खोट अर्थात दोष या बुराई, अग अर्थात अग्र या आगे, इह यह, परमान अर्थात प्रमाण अर्थात निश्चित, दंग फारसी शब्द है इसका अर्थ है परेशान, गजन अर्थात गर्जन, कै अर्थात का है, दृश्य परमान प्रमाणित दिखाई दिया निश्चित दिखाई दिया, बज्जी अर्थात बाजी अर्थात घोड़ा, पश्चर अर्थात पक्ष अर्थात जिरह बख्तर, यह घोड़ों का जो प्रायः चमड़े का हुआ करता था जिरह बख्तर, शंडरे खड़खड़ाना अर्थात कसना, अक्षर अक्षर षट छ पंच पांच, परिशोर तन दंगमम अग्ग युद्ध सुरतान, अब यह मंत विचारिये लरन मरन परवान, अर्थात दरबार में इन दो विभिन्न मतों पर विवाद बढ़ते हुए देखकर पृथ्वीराज ने कहा कि तुम लोगों के मतभेद की बातें सुन सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ, दंग हो गया हूँ। अग्ग युद्ध सुल्तान, सामने सुल्तान से युद्ध है, अतः अब यह मंत विचारिये, अब इसी मत पर विचार करो कि लरन मरन परवान, कि लड़ना और मरना ही निश्चित है। गज्जन सिंह पृथ्वीराज के है दिश्य परवान, पृथ्वीराज का यह सिंह गर्जन सुनकर यह बात निश्चित हो गई कि चौहान सुल्तान के विरुद्ध घोड़ों के जिरह बख्तर खड़खड़ाए अर्थात कसे, बज्जी पश्चर संडरे चाहुआन सुल्तान। ग्यारह अक्षर पंच षट लघु गुरु हो ही समान, पांच और छह के क्रम से ग्यारह अक्षर हों जिसमें लघु और गुरु समान हों, कंठ शोभ बर छंद को नाम कहो परवान, और ऐसे श्रेष्ठ छंद का नाम कंठ शोभा निश्चित है। अगले दोहे और कवित्त पृथ्वीराज की तैयारी का ही वर्णन करते हैं, तब गौरी और चौहान के घोड़े अभी किस प्रकार देखे जा सकते हैं। छंद 32 से लेकर 36 तक कवि के द्वारा कंठ शोभा छंद का प्रयोग किया गया है, जिसका ऊपर वर्णन किया गया है। 11 अक्षर पंच षट लघु गुरु होई समान, कंठ शोभ बर छंद को नाम कहो परवान। इसी कंठ शोभा छंद में आइए देखते हैं छंद 32 से 36 को। फिरे हय बशर पश्चर से मनो फिर इन दुज पंश कसे, सो ई उपमा कवि चंद कथे सजे मनो पौन पवंग रथे, उरप्पर पुठिय दिठियता विपरीत पलंग तथा धरिता, लगे उड़ छित्तिय चौन लयम सुने कुर केह अबंत नयम, अगबंधि सुहेम हमेल घनम तव चामर ज्योति पवम नरुनम, ग्रह अठ सतारक पीत पगे मनोसुत के उर्भान उगे, पय मंडि ही अंशु धरे उल्टा मनोविट देश चली कुल्टा, मुश कठिन घूंघट अस्सु बली मनो घूंघट दे कुल बद्धु चली, तिनम उपमा बरनम नधनम पुजे नन बग पवन नमनम। फिरे अर्थात फेरे गए है अर्थात घोड़े, बशर पशर बाखर पाखर अर्थात जिरह बख्तर, इंदुज अर्थात गरुड़, पंश कसे पंख समेटे हुए, कथे कहता है, पौन अर्थात सरपट चाल, पवंग अर्थात सूर्य के सारथी और सूर्य के पुत्र, उरप्पर उर के ऊपर, उठिय उठे सुठिय सुंदर, दिठियता दिखाई पड़ते हैं, विपरीत पलंग तथा धरिता पलंग उलट कर रख दिए गए हों, घोड़ों के पुट्ठों की चौड़ाई की उपमा पलंग से देना भाषा का मुहावरा है। क्षितिय अर्थात क्षिति अर्थात पृथ्वी, चौन लयम चौकड़ी भरते हैं, सुने अर्थात सोने के, अवत्तनयम अर्थात आवर्तन अथवा खुलना, अगबंधी आगे बंधी हुई, हेम अर्थात स्वर्ण, हमेल अरबी शब्द है जो गले में पहनने के आभूषण के लिए काम में आता है, चमर अर्थात चंवर, ज्योति अर्थात चमकती हुई, पवन अर्थात वायु, रुनम बजना, ग्रह अठ आठ ग्रह, सतारक तारक मंडल सहित, पीत पगे पीले रंग की पाग, उर अर्थात हृदय,
भान चमकना, विट कामतंत्र की कला में निपुण नायक का सहायक सखा, कुलटा दुराचारिणी स्त्री, मुश मुख कठिन काढ़ना या खींचना, घूंघट यहाँ घोड़ों की झालर से घूंघट का तात्पर्य है, अश्व अश्व बली अर्थात बलवान, कुलबद्ध कुलबधुएं, वर्णम वर्णन घनम अधिक, पुजय बराबरी, न न अर्थात नहीं, बग पवन अर्थात वर्ग प्लवन, यहाँ पर घोड़ों की सरपट चाल से इसका अर्थ निकाला जा सकता है, बग अर्थात वर्ग अर्थात समुदाय या समूह, मनम मन। मित्रों, सुल्तान से युद्ध होना निश्चित जानकर युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस छंद में कविचंद ने घोड़ों की शोभा का वर्णन किया है। घोड़े अपने बाखरों पाखरों सहित ऐसे फेरे जाते हैं मानो गरुड़ पक्षी अपने पंख समेटे उड़ रहे हों। चंद कवि उसी की उपमा कहते हैं कि मानो वे प्लवंग के रथ के घोड़ों की तरह सरपट दौड़ रहे हों। उनकी छाती और पुट्ठे ऐसे सुंदर दिखाई देते हैं मानो पलंग उलट कर रख दिए गए हों। जब वे चौकड़ी भरते हुए पृथ्वी से उछलते हैं तो उनके सोने के खुर खुल जाते हैं अर्थात दिखाई पड़ जाते हैं। उनके आगे अर्थात उनकी गर्दन में सोने की घनी हमेलें बंधी हुई हैं जो उनकी चमकती हुई कलंगी के साथ हवा में बसती हैं, और हमेलों के गोल टुकड़े ऐसे मालूम होते हैं मानो आठ ग्रह उनकी छाती पर पीली पाग बांधे अपने तारक मंडल सहित चमकते हुए निकल आए हैं। घोड़े अपने पैर ऐसे बनाकर चलाते हैं जैसे कुलटा स्त्री अपने वैश्विक नायक को देखकर चलने लगती है। बलवान घोड़ों के मुंह पर झालर पड़ी है और ऐसा मालूम होता है मानो घूंघट खींचे हुए कुल बधुएं चली जा रही हैं। उनकी अनेक उपमाओं का वर्णन नहीं हो सकता और उनकी चाल का कितना ही वर्णन किया जाए मन को संतोष नहीं हो सकता या उनकी सरपट चाल की तुलना मन में नहीं आती। छंद 37 कुंडलिया छंद। नव बज्जी घरियार घर, राज महल उठ जाए, निशा अध बर उत्तरे दूत संपते आई, दूत संपते आई धाई चहुआन सुजग्गिय, सिंह बिहत्थे मुक्के साहि साहि उर तग्गिय, अठ सहस गजराज लश अठारहु ताजिय, उभय सत्त बर कोस साहि गोरी नव बाजिय। छंद 38 एक दोहा है। मंच कागज चहुआन ने फिरन चंद सहथान, मनो वीर तनु अंकुरे भुगति भोग बनी प्राण। और छंद 39 भी एक दोहा है। मची कूह दल हिंदु के कसे सनाह सनाह, बर चिराक दस सहस भई बजी निशान अरिदाह। नौ बज्जी अर्थात 9 बजे, घड़ियार अर्थात घड़ियाल, निशा निशा, अध अर्थात अर्ध, वर उत्तरे भली भांति उतरी या बीत गई, संपते अचानक, जग्गिय जगाया, विहत्थे अर्थात विहस्त अर्थात छेड़छाड़ या व्यस्तता, मुक्की मुक्ति अर्थात रोकना या छोड़ना, साही साही सहनशाह गौरी, उग तग्गिय हृदय में तागो अर्थात ध्यान दो, अठ सहस 8,000, लश लाख, अठारहु 18, ताजिय अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है ताजी, जो जो अरब का एक विशेष घोड़ा है, उभय उभय अर्थात दो, सत अर्थात सात, महल अर्थात राजभवन, नव बाजिय 9 बजे, बंची बांचकर अथवा पढ़कर, कागद पत्र, नए ने, सह अर्थात सा अर्थात उस या वह, थान स्थान, वीर वीरत्व, तन अंकुरे शरीर में अंकुरित हो गया, मुगति भोग बनी प्राण प्राण मुक्ति का भोग भोगें, कूह कोलाहल अर्थात चिल्लाहट, सनाह कवच, कसे कस लिए, चिराग या फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चिराग या दीपक,
यहाँ दीपक या चिराग मशालों के लिए आया है। दस सहस्र अर्थात अनेकों। निशान फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है नगाड़े। अरि अर्थात शत्रु। दाह अर्थात जलाना। मित्रों, घर में घड़ियाल ने रात्रि के 9 बजाए और पृथ्वीराज उठकर राजमहल में गए। अब अर्धरात्रि भली भांति बीत चुकी थी, तब अचानक एक दूत ने आकर शीघ्र चौहान के पास पहुंचकर उन्हें जगाकर कहा कि अब सिंहों के साथ छेड़छाड़ छोड़कर शहंशाह गौरी की ओर ध्यान दीजिए। 8,000 हाथी और 18,00,000 घोड़े लिए हुए गौरी 9 बजे 14 कोस की दूरी पर देखा गया है। चौहान ने पत्र पढ़ा। यह पत्र लाहौर के शासक चंद पुंडीर द्वारा भेजा गया था, जो चिनाब नदी के तट पर गौरी का मार्ग रोके खड़ा था कि चंद अपने स्थान से फिरेगा नहीं। उसके शरीर में मानो वीरत्व अंकुरित हो गया है, जिससे उसके प्राण मुक्ति का भोग भोगें। यह पत्र सुनकर हिंदुओं के दल में कोलाहल मच गया। सबने कवच कस लिए, चारों ओर अनेकों मसाले जल उठी और अरिदाह अर्थात शत्रु को कष्ट देने वाले निशान अर्थात नगाड़े बज उठे। छंद 40 और 41 पुनः दोहा छंद हैं। वापस सुनृप मुक्कते दूत आई तिही बार, सजी सेन गोरी सुबर उत्तर यो नदी पार। पंचा सज गोरी नृपति बंदी उतरी नदी पार, चंद वीर पुंडीर ने थट मुक्के दरबार। बाबत्सु, यह पृथ्वीराज के किसी सामंत का नाम जान पड़ता है, जो चंद पुंडीर के साथ चिनाब नदी के तट पर गोरी से मोर्चा लेने के लिए खड़ा था। मुक्कते मुक्ते अर्थात ओर से, सुबट सुबर अर्थात सुभट या श्रेष्ठ योद्धा, नदी यहाँ चिनाब नदी के लिए आया है। पंचा सजी 5 भागों में सजाकर, नृपति अर्थात राजा पृथ्वीराज, थटी अर्थात डटकर, मुक्के अर्थात मुक्ति अर्थात छोड़ा दरबार, यहाँ चंद पुंडीर के साथियों के लिए आया जान पड़ता है, और बंधी अर्थात बंध जाना। मित्रों, उसी समय बाबत सुनृप द्वारा पृथ्वीराज के पास भेजा हुआ दूत आया और बोला कि योद्धा गोरी ने सेना सजा कर चिनाब नदी पार कर ली है। बाबत सुनृप मुक्कते दूत आई तिही बार, सजी सेन गोरी सुबर उत्तर यो नदी पार। पंचा सजी गोरी नृपति बंदी उतरी नदी पार, चंद वीर पुंडीर ने थटे मुक्के दरबार। दूत वर्णन कर रहा है कि गोरी ने किस प्रकार चिनाब नदी को पार किया। दूत कहता है, हे नृपति, गोरी ने अपनी सेना को 5 भागों में बांटकर नदी पार की, और उतरने के बाद वे 5 भाग फिर एक में बंध गए अर्थात मिल गए। वीर चंद पुंडीर ने अपने साथियों सहित गोरी से डटकर मोर्चा लेने के लिए अपने स्थान से प्रस्थान किया। तो मित्रों, ये था राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की इकाई 5 हिंदी कविता से रेवा तट पृथ्वीराज रासो नामक कविता का 4th भाग, जिसमें हमने छंद 24 से छंद 41 तक की चर्चा की। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। इसी प्रकार के दुर्लभ वीडियोस के लिए देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।